जीएसटी बिल पर अपना समर्थन देने के लिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सामने अनोखी शर्त रखी है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर विवादों में रही एनडीए सरकार की मंत्री इस्तीफा दे देती हैं तो वो जीएसटी बिल पर केंद्र को समर्थन दे सकती हैं। मगर केंद्र सरकार और बीजेपी ने शर्त को ठुकरा दिया। ललित मोदी मामले में कांग्रेस सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस ने दो टूक कह दिया है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार में शामिल दागी महिला मंत्रियों को नहीं हटाते तो विपक्ष गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी पर सरकार का समर्थन नहीं करेगा। दूसरे विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ एकजुट रहने के संकेत दिए हैं। हमारा एक सैद्धांतिक विरोध है, हमारे साथ बहुत लोग हैं, हमारे साथ अगर लोग नहीं भी होते तो हमारा सिद्धांत नहीं बदलता। हम अगर सिद्धांत के आधार पर समझते हैं कि गलत हो रहा है तो हम हर फोरम में और उसमें निश्चित रूप से संसद भी इंक्लूडेड है ये मुद्दा रेज करेंगे। लेकिन आपका ये जो दोनों को लिंक करने का प्रयत्न है मैं इसको बिल्कुल नकारता हूं, और ऐसी कोई डील, ऐसा कोई क्विड प्रो क्वो जो कि उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया या ऐसा कोई आदान प्रदान होना मैं इसको बिल्कुल नकारता हूं। अगर सदन के शुरू होने से पहले अगर इन मसलों पर सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई और किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेगी तो जाहिर है विपक्ष इसको इश्यू बनाएगा और बहुत जो महत्वपूर्ण बिल हैं सरकार के वो उस समय तक पास नहीं होंगे जब तक के विपक्ष का उनको सहयोग नहीं मिलेगा। ये ऐसा न हो कि वैट का विकल्प जीएसटी लाया जा रहा है, जीएसटी भी यही बात हो जाए। हम उनसे स्पष्ट चाहते हैं कि पहले बताएं जीएसटी का मैक्सिमम प्रतिशत कितना होगा, हर राज्यों में प्रतिशत क्या होगा। 1% अलग लगाने की जो बात कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो ये एक राजनीतिक चीज हो गई है और मुझे लग रहा है कि सरकारें जनता को न देखकर अपनी आय बढ़ाने के लिए टैक्स बराबर बढ़ाती चली जा रही हैं। तो ये तो जनता के साथ धोखा है कि चुनाव से पहले जनता से कुछ कहें, चुनाव के बाद कुछ कहें। कांग्रेस जीएसटी बिल का विरोध कर रही है। केंद्र 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र में जीएसटी बिल पास कराने की कोशिश में है। सरकार की इसी कमजोरी को समझते हुए कांग्रेस ने ये पासा फेंका है। वहीं सरकार और बीजेपी का कहना है कि आगामी मॉनसून सत्र में जीएसटी और लैंड बिल पर कांग्रेस से किसी डील का कोई सवाल ही नहीं उठता। पार्टी ने साफ किया है कि वो हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। देखिए, कांग्रेस का ये कहना कि आप अपने कुछ मंत्रियों का इस्तीफा दिलवा दीजिए और हम जीएसटी बिल पास करवा देंगे, ये ब्लैकमेल टैक्टिक्स है। ये ऐसा है जैसे कि होल्डिंग द पार्लियामेंट टू रैंसम। इस प्रकार से राजनीति नहीं होती है, ये बड़ा दुखद है। जीएसटी बिल के पास होने से भारत के ग्रोथ रेट में इजाफा होगा, जीडीपी बढ़ेगा, उससे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगी। आप हिंदुस्तान को अपने राजनीतिक कारणों से पीछे क्यों ढकेलना चाहते हैं? ललित मोदी प्रकरण पर आगामी संसद सत्र में हंगामे की आशंका है। राज्यसभा में विपक्ष मजबूत है और किसी भी बिल को पास कराने के लिए सरकार को कुछ विपक्षी पार्टियों की जरूरत है। समय के लिए दिल्ली से नीरज कुमार और अनामिका रत्ना के साथ ऋषिकेश कुमार।